गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 का हम करने वाले हैं स्टूडेंट आज इंट्रोडक्शन। तो 6.2 में आपको क्या क्या पढ़ के रखना होगा, कल 6.2 कराएंगे, बट आपको उससे पहले क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें। पैरेलल लाइंस हम पढ़ने वाले हैं, ट्रांसवर्सल लाइन हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर कट करती है। टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो स्टूडेंट आप फिगर में देख पा रहे होंगे, लाइन विच इंटरसेक्ट बोथ द लाइन्स एल एंड एम, सो टी इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ एल एंड एम। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, सम पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, दीज आर फॉलोज। जब एक ट्रांसवर्सल लाइन टू लाइन्स को कट करती है तो कुछ एंगल्स के पेयर बनते हैं स्टूडेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे जान लेते हैं हम एक बार, वो होते कैसे हैं स्टूडेंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये पेयर जो बन रहे हैं स्टूडेंट, मतलब ये जो एंगल बन रहे हैं इनमें कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन ही पेयर्स में, मतलब वो पेयर्स के फॉर्म में है। क्या क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इनमें से कौन कौन से एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है वो देख लेते हैं स्टूडेंट। जो एंगल वन है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 5 स्टूडेंट, ऐसे ही 4 कॉरस्पॉन्डिंग टू 8। 1, 5 का कॉरस्पॉन्डिंग है और 4, 8 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैं पेयर लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट सीधे सीधे। 1 है किसका स्टूडेंट? 5 का, और 4 है 8 का, या ऐसी यहीं से शुरू कर दें स्टूडेंट। 1, 5 का, ऐसी 2, 6 का है एंगल, 2, 6 का है, और स्टूडेंट 4, 8 का है, 4, 8 और 3, 7। ये हुए स्टूडेंट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हो गए आपके। अब देखिए स्टूडेंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो इस तरह से मिलेंगे स्टूडेंट क्रॉस पे वो अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, यानी 2, 8 एंगल, 2, 8 और एंगल 3, 5। ये कैसे हो स्टूडेंट? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे स्टूडेंट अगर इसे लाइन को ये क्रॉस को बाहर ले जाएं, जैसे ये यहाँ बाहर यहाँ जाएगा, यहाँ 4 और 6, और असिस्टेंट ये 1 और 7, 4, 6 and 1, 7। ये हो गए स्टूडेंट आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अच्छा स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, 1, 7, 4, 6 ओके। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। देखिए स्टूडेंट ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये इंटीरियर एंगल है इसके एक साइड के, तो ये सेम साइड के इंटीरियर एंगल 3, 8 हुए स्टूडेंट इसके, 3, 8, और दूसरी साइड के कौन से हो स्टूडेंट? 2, 5। तो स्टूडेंट और इसे क्या कहते हैं, सेम साइड इंटीरियर एंगल को और क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? इसे बोल सकते हैं स्टूडेंट कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, या तो फिर सिंपली को इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान रखेंगे आप, को इंटीरियर एंगल इन्हें बोल सकते हैं, या तो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, या तो क्या बोल सकते हैं, सेम साइड इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट वीडियो को पॉज कर लेंगे और नोट कर लेंगे स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन द एंगल्स इन दीज पेयर व्हेन लाइंस एल इज पैरेलल टू लाइन एम। इससे पहले अभी स्टूडेंट हमने पढ़ा ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में, के
एक ट्रांसवर्सल लाइन टी वो होती है जो टू लाइंस को डिस्टिंग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ एक लाइन एल हमने ले ली, एक एम ले ली एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब स्टूडेंट ये जो एंगल्स बने हैं, अब हम उन्हें रिलेशन तो हमने उसमें बता दिया था क्या स्टूडेंट के ये क्या है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग, ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर, ये इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर 3.8 और 2.5। तो ये सारे स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस कर लिए थे। स्टूडेंट अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन द एंगल्स इन दीज पेयर्स व्हेन लाइंस एल एंड एम, एल पैरेलल टू एम, इफ एल पैरेलल टू एम, ये जो लाइंस अगर ये पैरेलल हो तो क्या होगा स्टूडेंट, ईच पेयर ऑफ corresponding angle is equal, second क्या हो जाएगा स्टूडेंट, corresponding angle के जितने pair होंगे वो सब equal हो जाएंगे और इसका converse भी true होगा स्टूडेंट। second each pair of alternate इंटीरियर एंगल इज इक्वल, और क्या होगा स्टूडेंट, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल। और फोर्थ ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल होंगे और को इंटीरियर एंगल विल बी सप्लीमेंट्री। मीन्स मान लीजिए यहाँ थ्री, ये एल पैरेलल एम है और 3.8 को इंटीरियर है, तो 3+8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 180, ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। और इनके कन्वर्स भी ट्रू हैं, लाइन लाइन पैरेलल होगी तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे स्टूडेंट, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ तो लाइन पैरेलल होंगी। ऐसे ही अगर लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए तो लाइन पैरेलल होंगी। ऐसे स्टूडेंट ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होंगी। को इंटीरियर एंगल्स का जो समेस्टेंट वो 180 होगा और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 हुआ तो लाइन पैरेलल होंगी। स्टूडेंट यही बातें कुछ थ्योरम और एग्जियम के थ्रू कही गई हैं, तो फर्स्ट एग्जियम देखते हैं। फर्स्ट एग्जियम, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, ये वाली बात कही गई है स्टूडेंट, यानी ये एग्जियम है। इसकी डिटेल में आपको नहीं जाना स्टूडेंट, बस ये आपको एग्जियम याद रखना कि एग्जियम 6.3 में क्या क्या आ गया है, अगर लाइन पैरेलल है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। एग्जियम 6.4, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू, ये इसकी कन्वर्ज है स्टूडेंट, ये इसका कन्वर्ज है, यहाँ तो ये कहा गया है पैरेलल लाइन है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और यहाँ ये कहा गया है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी। ऐसे स्टूडेंट सिक्स है थ्योरम 6.2 में, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर इक्वल होते हैं, ये 6.2 में थ्योरम में कहा गया स्टूडेंट। और 6.3 थ्योरम इसकी कन्वर्ज है स्टूडेंट, कन्वर्ज मतलब यहाँ कहा गया है कि अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और कन्वर्ज में कहा गया है स्टूडेंट अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो लाइन पैरेलल होंगे। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट, देखते हैं थ्योरम 6.5।
6.4 तक हमने देख ली थी। डेरिवेशन करने का स्टेंट आपको ज़रूरत नहीं है, डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, जो हम बता रहे हैं बस आपको वो कर लेना है। देखिए, इफ़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल, और इसका कन्वर्ज भी ट्रू है स्टूडेंट। अगर ये सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम 180 हो यानी सप्लीमेंट्री हो तो लाइन पैरेलल होंगी, और लाइन पैरेलल हैं तो सेम साइड इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 होगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं थ्योरम 6.6। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये समझ लीजिए स्टूडेंट, मान लीजिए एल पैरेलल एम है एंड एन पैरेलल एम है, देन एल पैरेलल एन हो, एल एम के पैरेलल है, एन बी एम के पैरेलल है, ये एल बी एम के पैरेलल है एन बी, तो एल और एन बी आपस में पैरेलल होंगी। ये आपका यूक्लिड्स एक्सियम फर्स्ट में ही बताया गया था, थिंग्स आर इक्वल टू द सेम, थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट, ये आज की एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रो वीडियो है, और हमें पूरी आशा है कि आप आज जो जो बताया गया है उसे अच्छे से देख लेंगे, उसे अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, और जहाँ लर्न करने की ज़रूरत है उसे लर्न कर लेंगे। तो स्टूडेंट जो कल एक्सरसाइज शुरू होने वाली है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ओके स्टूडेंट।